जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं रूबी और आप देख रहे हैं बीएनबी की ताजा तरीन व खास खबरें। आइए आपको लेके चलते वहां जहां आपके सर गर्व से ऊंचे हो जाएंगे। बता दें कि गिरिडीह जिले के बेंगाबाद ब्लॉक में प्लास ब्रांड के बन रहे साबुन दिल्ली, मुंबई, नेवेडा आदि कई जगहों पर मिलेंगे और बिकेंगे भी। जी मैं बात कर रही हूँ बेंगाबाद आजीविका महिला संकुल संगठन की, जहाँ पे समूह के दीदियों के द्वारा प्लास ब्रांड के साबुन, अरहर दाल आदि कई आजीविका उपार्जन के माध्यम से दीदी मिसाल कायम कर रही है। आइए देखते हैं हमारे बीएनबी हेड जगन्नाथ की ग्राउंड रिपोर्ट। तो फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। बेंगाबाद में बन रहे साबुन दिल्ली और मुंबई के 5-स्टार होटलों में मिलेंगे। बताया जाता है आजीविका महिला संगठन के द्वारा बेंगाबाद के हरिजन टोला समीप महिला आजीविका संकुल संगठन के कार्यालय में साबुन का निर्माण कराया जा रहा है। इधर आजीविका महिला संगठन की दीदियों के द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बताया जा रहा है नंदनी कुमारी के द्वारा प्रशिक्षण महिलाओं को दी जा रही है साबुन बनाने का। इधर नंदनी कुमारी पूर्व में दिल्ली के सरस मेले में जाकर के अपना स्टॉल भी लगा करके लौट चुकी है बेंगाबाद, और इन दिनों महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही है साबुन बनाने का। इधर उन्होंने बताया कि इस प्रकार से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना आजीविका महिला संगठन का उद्देश्य है, वही मैं कार्य कर रही हूँ। उन्होंने कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैसे इसका तैयार होता है, इन सारी चीज़ों को दिखाई और बताई कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार की जो मंशा है वही मैं कर रही हूँ। यहाँ पर कैसे और किस प्रकार किया जा रहा है काम? ये सारा हमारा आजीविका संकुल संगठन से जुड़ी जो दीदी लोग हैं यहाँ से सारा लेती है पैसा कुछ काम के लिए, तो उन लोग अकेले कर नहीं पाती, इसलिए हम लोग चाहें कि संकुल संगठन से ही पैसा लगा के एक अच्छा जगह में हम लोग इसका तैयारी करें, और यहीं पर 10-20 दीदी को यहाँ पर ही काम करें, जो काम करेगी इन लोग का आजीविका चलेगा। पर दीदी पर महीना है तो कम से कम 6,000 रुपये फिलहाल कमा ले रही है, और इनसे इन लोगों का अच्छा से आजीविका चल पा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा पा रही है और अपने भी कुछ आगे कर पा रही है, क्योंकि अगर एक कमाने वाला है घर में 10 खाने वाला है तो पूर्ति नहीं हो पाता है। और जब से आजीविका मिशन में दीदी लोग जुड़ी है तो खुद से काम करती है, तो कम से कम दीदी लोग को तो अपने पति के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, वो खुद अपना खर्च निकालती है स्वयं और अपने बच्चों का भी खर्च निकालती है। इस तरह से यहाँ पर सारा हम लोग को फैसिलिटी दिया गया है कि इतनी दीदी लोग यहाँ काम कर सके कि कुछ उन लोग का चल सके रोजगार। अभी दिल्ली से कितने साबुन का ऑर्डर आया आप लोग के पास? 2 लाख का ऑर्डर आया, और फिर हम लोग जा रहे हैं 26 फरवरी से 14 मार्च के लिए नोएडा में, जहाँ हम लोग 15 दिन के लिए स्टॉल लगाएंगे। साबुन ही नहीं, झारखंड से जितना प्लास ब्रांड का सामान बनता है सारी चीजों को लेकर हम जाएंगे नोएडा। नोएडा क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम नंदिनी देवी। क्या है आप इस क्लस्टर में, इसके क्या है पद आपका? पद मेरा है साबुन में, मैं ट्रेनर हूँ और साबुन का संचालिका भी हूँ। थैंक यू जी। नमस्कार, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूले। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।